डिस्क्लेमर, शिवसंगा मालिक एच डी ब्लॉक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे साथ फिश लवर भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। अक्सर दोस्तों आप लोग मेरे से जब मछली खरीदते हो उस टाइम पे मेरे को एक ही सवाल पूछते हो कि मछली को खाना क्या देना चाहिए। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हो उन लोगों के लिए दोस्तों आज मैं एक खाना बताऊँगा और वेजिटेरियन लोगों के लिए भी एक खाना बताऊँगा। ये वाला खाना अगर आपके मछलियों को खिलाओगे मछली का ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहेगा, मछली हेल्दी भी रहेगा, साथ ही में साथ दोस्तों मछली को अगर ब्रीडिंग करवाना चाहते हो तो फीमेल में अंडा भी बहुत जल्दी लोड होगा। और मेरा मछली ये वाला खाना खाता है तो कितने एक्टिव है देखिए, हर एक मछली दोस्तों फ्लैरिंग कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये खाना खाने से मेरा मछली ने बबल नेस्ट भी बनाया है, ये देखो हर एक टैंक के ऊपर दोस्तों बहुत सारा बबल नेस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये बबल नेस्ट एक साइन है कि ये मछली को पूरी तरीके से खाने में न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसका हेल्थ अच्छा है, उसका मूड भी अच्छा है। तो आप लोग अपने मछलियों को ये वाला खाना दे सकते हो। खाना देने का प्रॉपर तरीका बताऊँगा। जो लोग सोच रहे हो कि खाना मेरे को पता चल चुका है क्या है मैं तो दे सकता हूँ, तो वो लोग वीडियो को पूरा देखो वरना आपका मछली का पेट फूल के मर जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइबर तो 6000 हो चुका है, उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। कॉन्ग्रेचुलेशन टू आस। बार बार वो तोतला क्यों रहा हो पता नहीं। तो चलिए वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटर करते हैं हम लोगों का स्वर्ग में। तो हम लोगों का फिश रूम मेरे लिए एक स्वर्ग है तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आज दोस्तों हम लोग पैकिंग ही कर रहे थे, अब पैकिंग के बीच में दोस्तों हम लोगों को खाना भी देना पड़ेगा। खाना देने के बाद दोस्तों कुछ कुछ मछली का वाटर चेंज भी करना है, गप्पी फिश का साइफोनिंग करना है, गप्पी फिश का मेल फीमेल भी सॉर्टिंग करना है। तो इतना सारा काम मेरे को करना पड़ेगा अभी, इसीलिए आप लोगों का फ़ोन में उठा नहीं पाता हूँ। और हाँ दोस्तों इसी से मेरे को एक चीज़ याद आया, आप लोग ऑर्डर के बारे में पूछते हो कि दादा फ़ोन नहीं उठाते हो ऑर्डर कैसे लेते हो, तो भाई मेरा नंबर वीडियो के स्टार्टिंग पे भी मैंने दिखा दिया है, अभी भी मैं दिखा रहा हूँ ये वाला नंबर। आज 17 नवंबर है, शाम को 7 बजे जब वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम से लेके 9 बजे तक मैं ऑर्डर लूँगा। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ऑर्डर लेने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों कल शनिवार है 18 नवंबर है, शनिवार के दिन मैं शाम को 7 बजे से लेकर फिर से रात को 9 बजे तक ऑर्डर लेने वाला हूँ। तो जिसको भी जो भी मछली ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हो, गप्पी बेटा दोनों ही मैं ऑर्डर लूँगा। एंड फिलहाल दोस्तों वीडियो का मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि खाना मैं क्या दे रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को पता चल ही चुका है वीडियो के स्टार्टिंग पे देख के कि मैं चिकन खिला रहा हूँ, और चिकन को एकदम छोटा छोटा बारीक टुकड़ा करना है, देखो कितना छोटा टुकड़ा कर रहा हूँ। और ये जो चिकन है दोस्तों मैंने बॉईल नहीं किया है, मतलब उबला हुआ चिकन ये नहीं है, ये पूरा कच्चा चिकन है। बस जो खून वगैरह लगा हुआ होता है चिकन में जब शॉप से आप लोग खरीद के लाते हो वो सब मैंने वॉश किया कर लिया है अच्छे से, नमक वाला पानी से मैंने वॉश किया है, उसके बाद मैं मछलियों को खिला रहा हूँ। आप लोग ये नमक वाला पानी का जो झमेला है वो मत करो, मैं तो इतना सारा मछलियों को खिलाता हूँ तो इसीलिए मैं नमक वाले पानी से धोता हूँ। आप लोग क्या करोगे दोस्तों, आप लोग एक काम करो, छोटा सा एक चिकन का पीस ले लो 5-10 ग्राम का, वो फ्रिज में रख दो, डीप फ्रिज में रखने के बाद हर दिन वो डीप फ्रिज से निकाल के एक थोड़ा सा गर्म पानी में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी में डालो, वो पूरा बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगा, वो चिकन नॉर्मल टेम्परेचर पाने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। उसको जितना भी खिलाना है मछली को खिला दो, खिलाने के बाद फिर से उसको डीप फ्रिज में रख दो। इस तरीके से आप एक चिकन के टुकड़े को 4 दिन तक खिला सकते हो। वो चिकन का टुकड़ा अगर 4 दिन से ज़्यादा फ्रिज के अंदर है तो वो चिकन का टुकड़ा मत खिलाओ, क्योंकि वो चिकन अगर खिलाओगे तो मछली का पेट में जाने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा, मतलब वो क्या बोलते हैं ड्रॉप्सी वगैरह होने का चांसेस है। तो ड्रॉप्सी वगैरह हो जाएगा तो मछली ज़िंदा रखना बहुत ही मुश्किल होता है। जिन लोगों को ड्रॉप्सी के बारे में नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ, ये एक्चुअली एक बीमारी है जो कि मछली में किडनी फेलियर होने से होता है। किडनी फेलियर हो जाता है तो मछली के पेट में पानी जम जाता है, मछली का पेट फूल जाता है। तो इतना सारा चीज़ें इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को क्वांटिटी में दिखा देता हूँ कितना मैं यूज़ करता हूँ। मैं ये जो बड़ा सा चिकन का टुकड़ा है इसके जैसा मेरे को 2 चिकन का टुकड़ा लगता है, उसमें मेरा जो 400 मछली है वो मैं खाना दे देता हूँ। तो एक दिन में मेरे को टोटल 100 ग्राम जो चिकन है वो लग जाता है। मगर आप लोगों के लिए दोस्तों 100 ग्राम चिकन नहीं लगेगा, आप लोगों के लिए कम से कम समझो कितना 5 ग्राम का चिकन आप लोगों का शायद 5 दिन हो जाएगा।
तो आप लोग अपने हिसाब से संभालो कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। मैं तो अपने मछलियों को थोड़ा सा ज़्यादा करके खिलाता हूँ, क्योंकि ये सब मछलियाँ मैं आप लोगों को सेल करने वाला हूँ। तो जब मैं भेजूँगा उस टाइम पे मछलियाँ भूखा रहेगा, उससे पहले मैं मछली को हट्टा कट्टा देखना चाहता हूँ। और ये देखो फ्लैडिंग देख रहे हो, यही वाला खाना खिला के दोस्तों मैंने ये सब मछलियों को इतना एक्टिव बना के रखा है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग मछली को खाना नहीं देता है, बस सेलिंग के लिए रखा है। तो बदादा सबको मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये भी एक ज़िंदा चीज़ है। सेलिंग के लिए कोई भी जीव को आप लोग भूखा मत रखो, प्लीज़ खाना वाना दो, ठीक है? खाना दोगे तो क्या ही चला जाएगा भाई। चिकन का कितना प्राइस है, 250 रुपये या फिर 300 रुपये केजी है। तो आप 100 ग्राम चिकन 25 रुपये में खिला दोगे तो कितना आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। या फिर ब्लड वाम ट्यूबफ्लेक्स वाम भी खिला सकते हो, मगर हर एक के जगह पे वो मिलता नहीं है। तो चिकन ही मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं लाइव फूड भी बोल सकता था, नहीं बोला, क्योंकि चिकन हर एक के जगह पे मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों हर एक टैंक के ऊपर आप लोगों ने बबल नेस्ट भी देख लिया, ये नींबू कैंडी प्लाकेट से। अभी दोस्तों प्राइस थोड़ा सा बता देता हूँ, मछली का प्राइस क्या है जो लोग ऑर्डर करना चाहते हो उन लोगों के लिए। OHM डबल टेल OHM और ये वाला जो क्राउन टेल देख रहे हो, ये सबका जो पेयर है 300 रुपये करके पेयर है। डम्बो एयर OHM डम्बो एयर प्लाकेट दोनों का ही आपका 400 रुपये करके पेयर है। 500 रुपये का पेयर जो है वो आप लोगों का नींबू कैंडी का है, नींबू कैंडी OHM और नींबू कैंडी प्लाकेट का। तो 300 रुपये में आप लोगों को डबल टेल OHM नॉर्मल रोस्टेल OHM और आपका क्राउन टेल मिल जाएगा 300 रुपये का पेयर में। 400 रुपये में आप लोगों को डम्बो यार का दोनों ही वैरायटी मिल जाएगा, OHM और प्लाकेट दोनों का ही डम्बो यार का 400 रुपये करके पेयर है। और नीमो कैंडी का जो भी पेयर रहेगा वो 500 रुपये के अंदर रहेगा। तो आप लोगों को पूरा प्राइस मैंने क्लियर कर दिया। ऑर्डर के लिए आप लोग टाइम भी बता दिया वीडियो को स्टार्टिंग पे, एकदम कॉल करो। और ये सब मछली को खाना वाना देने के बाद फिर से पैकिंग है, तो भाई पूरा दिन मेरा इसी तरीके से निकल जाता है। पैकिंग, ऑर्डर लो, मछली को संभालो, हो गया काम। वीडियो बनाने का फुर्सत नहीं मिलता है, तो इसीलिए वीडियो भी लेट आ रहा है, मगर आज भी वीडियो नहीं आता। मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाना है, क्या दिखाए क्या दिखाए। तो सोचा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि खाना क्या देना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो दे ही देते हैं। अब चिकन का क्वांटिटी बता देता हूँ, ठीक है? आप लोग ज़्यादा मत खिलाना, ये चिकन एक्चुअली नॉन वेज है, तो मछली को डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप लोग एक काम करो, माचिस का जो बारूद का हिस्सा होता है ना, उसमें जितना छोटा सा बारूद होता है वो 2-3 टुकड़ा करो, 2 या 3 टुकड़ा मछली को एक दिन में खिलाओ, एक दिन ही खिलाओ। उसके बाद उस दिन और कोई भी खाना मत दो, फिर से नेक्स्ट दिन मछली को वही खाना खिलाओ, मतलब 2-3 टुकड़ा करके खिलाओ। और अभी तो सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम पे आप लोग कोशिश करो, एक दिन में अगर 3 टुकड़ा खिला रहे हो तो एक दिन मछली को भूखा रखो, मतलब एक दिन खिलाया, दूसरा दिन मत खिलाओ, फिर से तीसरा दिन खिलाओ, चौथे दिन मछली को भूखा रखो, फिर से पाँचवें दिन खिलाओ, मतलब एक दिन खाना मत दो, नेक्स्ट दिन खाना दो। और इससे क्या होगा कि मछली का पेट में डाइजेशन का इशू नहीं होगा, मछली का ड्रॉपसी वगैरह नहीं होगा। तो फिलहाल ये सब मछली तो मैंने खाना होना दे दिया है डबल टेल वबल टेल को। और फ्लैडिंग देख रहे हो भाई, मस्टर्ड गैस क्राउन टेल, तो मस्टर्ड गैस क्राउन टेल भी एक्टिव है पूरा। खाना वाना अच्छे से मेरे पास मिलता है मछलियों को, तो जो भी लोग मेरे से मछली लोगे उन लोगों को ये दिक्कत नहीं होगा कि मछली आपके पास पहुँचा 3-4 दिन के अंदर मछली मर गया, तो ये सब प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। एंड जो भी मछली है दोस्तों आप लोग देख रहे हो क्वालिटी वगैरह, मेरे अभी एक्वेरियम पे ऊपर लाइट नहीं लगाया है, तो बहुत ही जल्दी मैं लाइट वाइट भी लगा दूंगा, उसके बाद तो मछली का कलर और भी निखर के आएगा। अभी तो मेरा मोबाइल का फ्लैश से आप लोग मछलियों को देख रहे हो, कलर वालर कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कलर का मछली है, कैसा ग्लो कर रहा है। ऊपर से अगर मैं लाइट लगा दूंगा तो आप लोगों को प्रॉपर पता चलेगा कि क्या कलर है। तो ये सब आप लोगों ने देख ही लिया क्या कुछ है। और जो लोगों को मछली देख के खरीदना है कि कौन सा मछली खरीदना है, स्टॉक पूरा एकदम ध्यान से देखना है, तो उन लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, शायद आप लोग जानते भी हो, न्यू स्टॉक बाय SSM शिवशंकर मलिक नाम है। तो वो वाला चैनल का लिंक जो है वो मैं फास्ट कमेंट पे पिन करके दे रहा हूँ, फास्ट कमेंट पे जाओ, जाके सब्सक्राइब कर लो। और बेटा फिश ब्रीडिंग रिलेटेड जो सब लोग वीडियो मांग रहे थे उन लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल ओपन किया है, वो SSM शिवशंकर मलिक अनऑफिशियल नाम से है। तो उसमें बेटा फिश रिलेटेड एक सीरीज़ चल रहा है Day 1, Day 2, Day 3 करके, तो Day 1, Day 2 और Day 3 का वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुका है, जाके देख सकते हो। उस चैनल का लिंक भी मैं फास्ट कमेंट पे दे रहा हूँ, मेरा तीनों चैनल का लिंक ही मैं फास्ट कमेंट पे दे रहा हूँ, आप लोग तीनों चैनल को ही सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वाला चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही है, और बाकी दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा आप लोगों का ही रहेगा, मेरा क्या फ़ायदा है भाई। मैंने तो यूट्यूब का मोनिटाइजेशन ऑफ करके रखा है, मेरे को यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं मिलता है फिलहाल। तो आप लोगों के लिए ही मैंने ये किया है, ताकि आप लोग बिना ऐड के वीडियो देख सकते हो। और जो भी ऐड आ रहा है मेरे वीडियो पे वो एक्चुअली गूगल चला रहा है, गूगल वो पैसा ले रहा है,
ऐसा सीन है YouTube का, मतलब आप अगर मोनेटाइजेशन ऑफ भी रखोगे तो Google मोनेटाइजेशन के लिए वो ऐड चलाएगा आपके चैनल पे, वो पैसा आपको नहीं देगा, Google खुद रख लेगा। तो खैर छोड़ो, YouTube वगैरह का गाइडलाइन वो चलता रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे चिकन डिनर लिख दो, चिकन डिनर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।